बड़े बुजुर्गों द्वारा ध्यान देने योग्य ज़रूरी बातें। महिलाएं अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने। धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है, क्या अशुभ, और जब भी धनतेरस पे कोई सामान लाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस के दिन जरूर करें ये काम। मान्यता है कि आज के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए आज के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। आप हम सभी बर्तन खरीदते हैं। खरीदारी के बाद यदि दुकानदार आपके खरीदे हुए बर्तन में 1, 2 या 5 का सिक्का अपनी ओर से भेंट स्वरूप डाले तो उसका चमत्कारी असर होता है। जब आप धनतेरस के दिन बर्तन खरीद लें और उस बर्तन का पैसा चुकाने के बाद दुकानदार को कहें कि अपनी ओर से जितनी उसकी इच्छा हो 1 सिक्का उस बर्तन में भेंट स्वरूप रख दें। यह सिक्का दुकानदार से आप हाथ में नहीं लें बल्कि स्वयं दुकानदार ही आपके खरीदे गए बर्तन में डालें। फिर इस बर्तन को घर ले आएं और घर लाकर इस बर्तन में खीर अथवा मिठाई रखकर सबसे पहले भगवान कुबेर को अर्पित कर दीजिए। यह उपाय किस्मत बदलने और सभी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करता है। यमराज के लिए करें दीपदान। धनतेरस पर यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। यमराज के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके लिए संध्या काल के समय आप आटे का 4 मुखी तेल का दीपक बनाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं। साथ ही उसमें थोड़ी सी सरसों, काली मिर्च और लौंग डाल दें। इसी के साथ ही आप दीपदान अवश्य करें। इसके लिए आप 13 ही दीपक घर के अंदर प्रज्वलित सजाएं। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीपक, रुई, तेल, माचिस दान देते हैं तो यम देवता प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सदैव बनी रहेगी। यह एक जरूरी काम भूलकर भी ना करें। लक्ष्मी प्राप्ति कल्पों में से एक बहुत ही ज़रूरी सामग्री है झाड़ू। धनतेरस तथा दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा सदियों से पुरानी चली आ रही है। इस दिन नई झाड़ू को खरीद कर उसका पूजन करें और इसे खरीदते समय इस बात का ध्यान विशेष रखें कि यह विषम संख्या में खरीदा जाए, यानी 1, 3, 5 और 7। इस तरीके से झाड़ू खरीदना सौभाग्यदायक माना जाता है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी का पूजन के बाद कुमकुम तथा चावल से इस झाड़ू का भी पूजन करें और उस पर 5 बार मूली टपेट दें और किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। फिर अगले दिन उसे उपयोग में लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से के साथ साथ घर की सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ है। नंबर 1, पीतल भगवान धन्वंतरि से संबंधित मानी जाती है। ऐसे में धनतेरस के दिन पीतल खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा सोना, चांदी और तांबा, स्टील खरीदना भी अच्छा माना जाता है। नंबर 2, इस दिन झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 3, धनतेरस के दिन धनिया खरीदना अच्छा माना जाता है। किसान इसके बीज खरीदते हैं, वहीं शहर के लोग पिसी ही धनिया में गुड़ मिलाकर भगवान के लिए एक प्रकार का खास नवेद तैयार करते हैं। नंबर 4, इस दिन नए वस्त्रों की खरीदारी करना भी अच्छा माना गया है। नंबर 5, दिवाली के दिन की जाने वाले देवी देवताओं की मूर्तियां भी इसी दिन खरीद लेना चाहिए। नंबर 6, धनतेरस पे बच्चों के लिए मिट्टी के बर्तन और खिलौने लाना भी शुभ होता है। नंबर 7, इस दिन गोमुदी, चक्र और कोकड़ियां खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। किन चीज़ों को खरीदना अशुभ है। नंबर 1,
धनतेरस के दिन लोहा धातु नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन नुकीली चीज़ों को भी खरीदारी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हानि हो सकती है। नंबर दो, इस दिन एल्युमिनियम की चीज़ों को खरीदना भी वर्जित माना गया है। नंबर तीन, धनतेरस के दिन शीशे या शीशे की बनी हुई चीज़ों को खरीदना भी वर्जित माना गया है, ऐसा करने से बरकत नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण।